कल कल बहती माँ गंगा, जो जन्म की शुरुआत से लेकर अंत तक हजारों लोगों के अटूट श्रद्धा का केंद्र है। आरती के प्रज्वलित दीपों से लेकर हजारों लोगों की भीड़ में भी ये गंगा का निर्मल जल शांत स्वभाव से बहते हुए भी ना जाने कितने ही भक्तों के भावों को अपने अंदर संजोए हुए है। वैसे तो कभी ना कभी आप सबने इस जगह को देखा ही होगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपको अपनी नजर से इस जगह को दिखाऊं, जिसका नाम है हरिद्वार। हेलो बैकपैकर्स, उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और तहे दिल से आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सबके अपने चैनल बैकपैक एक्सपेडिशन में। और एक और एक्सपेडिशन आज से शुरू हो रहा है हमारा। हमने एक गढ़वाल की बेल्ट पकड़ी है पूरी, जो स्टार्ट होगी हरिद्वार से। हरिद्वार से लेके हम लोग मसूरी से ऊपर जगह पड़ती है लैंडोर, वहाँ उस बेल्ट को पूरा कवर करेंगे, जिसमें कि हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, मसूरी एंड लैंडोर आएगा। अभी थोड़ा सा मैं डाइसी हूँ राजाजी नेशनल पार्क को लेके। अगर थोड़ा सा टाइम बनता है कल सुबह तो ज़रूर वहाँ जाके राजाजी नेशनल पार्क में मैं सफारी भी करूँगा। और उत्तराखंड अपने आप में देवभूमि के नाम से जाना जाता है। फिलहाल अभी जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये देवभूमि में भी सबसे ज़्यादा पवित्र स्थल माना जाता है, वो है हरिद्वार, क्योंकि यहाँ पे गंगा जी हैं और बहुत सारे जो श्रद्धालु हैं वो हर साल यहाँ पे आते हैं और गंगा जी में अपने डुबकी लगाते हैं और अपने पापों को माना जाता है कि धोते हैं। तो फिलहाल आज के दिन की शुरुआत मैं कर रहा हूँ भारत माता के मंदिर से, जो भारत में इकलौता मंदिर है जो अखंड भारत है उसको दर्शाता है ये मंदिर। और काफ़ी 8 मंजिला शायद मंदिर की जो बिल्डिंग है वो है। तो बस अब मैं यहाँ से, जो मेरे पीछे आप रोड देख रहे हो, ये रोड सीधी बस स्टैंड की तरफ जाती है। बस स्टैंड से आगे जाने के बाद ये आता है आपका रेलवे स्टेशन और यही सीधी रोड जाती है आपकी हर की पौड़ी की तरफ। तो फिलहाल करते हैं अपनी जर्नी को स्टार्ट, चलते हैं भारत माता के मंदिर। भारत माता का मंदिर है ये, अखंड भारत का सपना देखता है ये मंदिर। और इस मंदिर में भारत माता ही की मूर्ति लगी हुई है और भारत का इकलौता ऐसा मंदिर है जो भारत माता का है। हरिद्वार में से आगे आना पड़ता है आपको ऋषिकेश रोड पे, देहरादून रोड पे, वहाँ 7-8 किलोमीटर आओगे तो आप लोगों को भारत माता का मंदिर मिलेगा। तो फिलहाल जस्ट अभी मैंने एंट्री ली है। 2-3 चीज़ें बता दूँ यहाँ पे, एक जिन्होंने ये पूरा निर्माण कराया था इस मंदिर का, उन्होंने एक लिफ्ट की सुविधा भी यहाँ पे दी है जो आप अवेल कर सकते हैं। 2 रुपये का टिकट है और वो पूरा आपको 8 फ्लोर ऊपर तक लेके जाता है। अब जैसे मेरे आप पीछे ये देख रहे हैं दरवाजे, ये सारे प्योर चांदी के दरवाजे हैं। मैं इनका क्लोजअप भी आपको दिखा देता हूँ, ये पूरे चांदी के दरवाजे हैं। और मेरे पीछे की तरफ जो, मतलब मैं देख पा रहा हूँ कैमरे के पीछे की तरफ, भारत माता की एक बहुत बड़ी मूर्ति है, उसके भी मैं आपको दर्शन कराऊंगा। बाहर ही शूज रैक भी अवेलेबल है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहाँ पे आपको शूज़ उतारने हैं। और एक चीज़ का आप ध्यान रखें, आए यहाँ इंडियन अटायर में ही आए, वरना एंट्री नहीं मिलेगी। इंडियन अटायर का मतलब ये नहीं है कि आप साड़ी में या सूट में, अगर लेडीज आ रही हैं या फिर कुर्ते पजामे में, डिसेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी आप लोगों को जब आप यहाँ पे आते हैं कपड़ों में। कोई जैसे शॉर्ट्स में आप लोग ना आए, कैपरी में ना आए, इन सब चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखें तो कोई फिर इशू की बात ही नहीं है। आप लोग आते हैं आराम से, आप आके यहाँ दर्शन कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। और अगर आप हरिद्वार में हैं तो अपनी आइटनरी में इस मंदिर को ज़रूर ऐड कर लें और एक बार यहाँ आए, आपको आके बहुत अच्छा लगेगा। चलिए फिलहाल चलते हैं थोड़ा ऊपर की तरफ, चलो चलते हैं आगे की तरफ। तो लिफ्ट मैंने ली थी और लिफ्ट लेने के बाद 6 फ्लोर तक तो आप आते हैं लिफ्ट से, लेकिन जब इससे ऊपर वाला फ्लोर है उस पर आपको सीढ़ियों से आना पड़ेगा। और सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे आके इस शिव जी का मंदिर देखने को मिलता है, बहुत सुंदर है। और सबसे बड़ी चीज़ मेरे को यहाँ अनोखी चीज़ ये लगी कि यहाँ के छत का जो डिज़ाइन है, रूफ का, सीलिंग का, वो बहुत ज़्यादा यूनिक है। बीच में होल्स बने हुए हैं और उसमें शीशा लगा हुआ है, जो लाइटिंग के हिसाब से भी काफ़ी अच्छा है। और अगर
गर्मियों के टाइम पे शीशा हटा दिया जाए तो यहाँ पे एयर वेंटिलेशन काफी अच्छा रहेगा। तो फिलहाल मैंने यहाँ दर्शन किए हैं, बहुत ज्यादा सुंदर आकृतियाँ भगवान की लगी हुई हैं, भोलेनाथ और उनका पूरा परिवार, साथ में भारत माता की भी एक मूर्ति और साथ में एक माता रानी की मूर्ति भी है। तो यहाँ पे दर्शन करें। अब इसके नीचे अब हम पूरा ग्राउंड फ्लोर तक सीढ़ियों के थ्रू ही जाएंगे क्योंकि हमको हर फ्लोर देखना है कि हर फ्लोर पे क्या क्या है। देखो हम लोग ऊपर से नीचे आए हैं, सेवन्थ फ्लोर से सिक्स फ्लोर पे आए हैं। ये खंड के हिसाब से बांटा हुआ है। तो ये वाला जो है ये पूरा विष्णु मंदिर है और इस विष्णु मंदिर में जितनी भी ये मूर्तियाँ हैं ये सब भगवान के अलग अलग अवतार हैं। जैसे कि मेरे पीछे हैं रणछोड़ राय के नाम से, ये शायद वो अवतार है जब राधा रानी ने पत्र लिखा था ये वो है। और अलग अलग अवतार हैं जैसे सीताराम का भी है, दत्तात्रेय भगवान का भी है और साथ साथ कृष्ण भगवान का भी, और अलग अलग जितने भी रूप विष्णु भगवान ने धारण किए और वो धरती पे आए धरती के उद्धार के लिए, वो सारे यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। और मूर्तियों में जो डिटेलिंग है वो बहुत ज़्यादा देखने में अच्छी है। तो फ्लोर नंबर फिफ्थ पे हम लोग आए हैं और ये जो पूरा हॉल है इस हॉल में माता रानी का सारे रूप हैं। शक्ति स्वरूपा के नाम से इस खंड का इन्होंने नाम दिया हुआ है इसको। अम्बा जी की मूर्ति है, कात्यायनी देवी की, मेरे पीछे काल रात्रि की आपको दिखी रही होगी। तो ऐसे ऐसे करके माता रानी के जितने हम लोग नवरात्रे में जितने भी स्वरूप देखते हैं माता रानी के सारे स्वरूप यहाँ मौजूद हैं। यहाँ पे दो मूर्तियाँ और मेरे को दिखी, तीन है एक्चुअली, नर्मदा देवी की, गंगा माँ की और यमुना माँ की। चलिए और चलते हैं इससे नीचे की तरफ, देखते हैं वहाँ पे कौन सा खंड बांटा हुआ है और कौन से भगवान को वो वाला खंड समर्पित है। क्योंकि ये जो मंदिर है भारत माता का, ये मंदिर धर्म बिल्कुल मानता नहीं है, सब लोगों के लिए समान रूप से ये खुला रहता है। तो हॉल नंबर फोर में आने के बाद मेरे को यहाँ, वैसे तो सत्संग हॉल है ये, लेकिन यहाँ पे जो जितने भी कल्चर हैं इंडिया की अलग अलग स्टेट्स का, उनकी कुछ कुछ पेंटिंग्स देखने को मिली हैं और यही आप लोग देख रहे होंगे। जैसे कि सामने हिमाचल प्रदेश का और उसके बराबर में जम्मू कश्मीर और पंजाब। तो अगर मायने में देखा जाए तो भारत माता को यही हॉल रिप्रेजेंट करता है क्योंकि इसमें सारे कल्चर और सारे धर्मों को दिखाया गया है, जो एक अटूट भारत होने का अपने आप में एक सिंबल देता है। खंड नंबर तीन संत मंदिर के नाम से बनाया गया है और इसमें भारत के सभी महान संतों की मूर्तियां लगी हुई हैं। भारत माता का मंदिर, तो यहाँ माताओं को या जो मातृ है, जो स्त्री है, उसको बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। यहाँ पर अलग अलग तरह की महान जो माता रही हैं देश की, उनकी मूर्तियाँ लगी हुई हैं, जैसे मीराबाई, अहिल्याबाई, सती सावित्री। तो देखो दर्शन मैंने कर लिए हैं और कुछ बातें जो मेरे को थोड़ी थोड़ी पता चली हैं, 1968 में ये बना था, इंदिरा गांधी जी ने इसका इनॉग्रेशन किया था। और ये मेरे पीछे कुछ टाइमिंग्स लिखे हुए हैं यहाँ आने के, और आप यहाँ आ सकते हैं, एक अच्छा प्लेस है विज़िट करने के लिए। तो आप जब आते हैं हरिद्वार तो आप हरिद्वार आते टाइम भारत माता के इस मंदिर में भी विज़िट कर सकते हैं, अपनी आइटिनरी में इस जगह को भी रख सकते हैं। अच्छा लगेगा आपको आके यहाँ, आधा पौना घंटा आप लोग यहाँ बिता सकते हैं अपनी आइटिनरी में, इस चीज़ को भी रखें। चलिए अब हमको चलना है आरती की तरफ, आरती लेने के लिए। लगभग यहाँ से हर की पौड़ी पहुँचने में लगभग 20-25 मिनट का मेरे को टाइम लगेगा ट्रैवल करने के बाद। तो अब हम सीधा चलते हैं हर की पौड़ी, वहाँ पर आरती ज्वाइन करते हैं और आप लोगों को आरती दिखाते हैं, वहाँ की भव्य आरती किस तरीके से आयोजित होती है। तो देखो भारत माता के मंदिर से हम लोग निकल के फटाफट फटाफट करके आए हैं, बीच में 5 मिनट के लिए चाय पीने के लिए स्टॉप लिया था।
तो जस्ट अब हम लोग पहुंच गए हैं गंगा आरती अटेंड करने के लिए। मेरे पीछे देखो कितनी चहल पहल है, कितने लोग आ जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो फिलहाल जल्दी जल्दी यहाँ से भी भागते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी हम लोगों को एक स्पॉट पकड़ना पड़ेगा ताकि हम लोग वहाँ अच्छे से शूट कर पाएँ, आप लोगों को दिखा पाएँ कि गंगा माँ की भव्य आरती कैसे होती है। तो बस आप यहाँ देख लो कितनी भीड़ है, कितनी लाइटिंग वगैरह रहती हैं, शॉप्स वगैरह मेरे पीछे है, पूरा मार्केट है ये। तो बस चलते हैं आगे, गंगा माँ की आरती अटेंड करते हैं। मुश्किल से मुश्किल 5 या 10 मिनट का टाइम मेरा है, उसमें हमें स्पॉट भी ढूंढना है और वहाँ जाके शूट करने की तैयारी भी करनी है। चलो फटाफट चलते हैं। देखो आरती का टाइम था, यहाँ पे 6:45 बजे स्टार्ट हो गई थी आरती। तो फिलहाल आरती समापन हो चुका है, आरती का हम लोगों ने पूरी आरती अटेंड की। और भीड़ का आलम इतना था कि भीड़ इतनी ज़्यादा थी, तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी वो आप वीडियो में देख ही रहे होंगे। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश ये करी है जितना ज़्यादा से ज़्यादा जूम लेंस से आपको दिखा सकूं कि यहाँ की आरती कैसी होती है। 6:45 बजे से स्टार्ट होने के बाद ये लगभग आधा घंटा आरती चलती है यहाँ, आधा से पौना घंटा। और उसके बाद ये आरती देने का और धूप लेने का प्रोग्राम रहता है। आरती का जो पूरा ऑरा था वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मेरे को। भीड़ अभी भी चारों तरफ भीड़ ही भीड़ है यहाँ पे, लोग बीच में से गुजर रहे हैं, कोई बात नहीं। तो फिलहाल बस आप लोग एक बार अगर उत्तराखंड में हैं और इस गढ़वाल रीजन में, इस वाली आप जोन में हैं जो मैंने आपको बताया, तो एक बार ज़रूर गंगा आरती आप लोग अटेंड ज़रूर करें। जो गंगा मैया का सिंहासन होता है, जो पूरा मेरे पीछे आप देख रहे हैं यहाँ रखा जाता है, यहाँ से आने के बाद वो अंदर जाता है। जो आप लोग अभी देख रहे हैं ये सब, ये सारा सिंहासन है, ये बाहर गंगा जी पे जाता है और वापस आरती समापन के बाद वो वापस इस मंदिर में आके रखा जाता है। भीड़ बहुत ज़्यादा है, देखो मेरे पीछे पूरी चहल पहल आपको दिख रही है। और अभी मैं यहाँ से 2 साल पहले लगभग आया था, तो तब इतनी ज़्यादा चेंज नहीं था, अब बहुत ज़्यादा चेंज है। फ्लोरिंग पूरी चेंज हो गई है और यहाँ मेरे पीछे गंगा सभा हरिद्वार का भी ऑफिस है। अगर आप लोगों को कुछ ऑफिशियल काम हो शूट के रिगार्डिंग या कुछ भी, तो आप लोग इनसे बात करके अपना शूट वगैरह ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और एक चीज़ का आप ध्यान रखें, मैं आपको बता दूं कि जब आप लोग यहाँ पे आते हैं तो आरती के बाद लोग आपसे बहुत ज़्यादा पर्ची काटने के लिए या फिर डोनेशन के लिए ये सब बोल सकते हैं, तो उस चीज़ से थोड़ा सा बच के रहें। तो अगर आपको देना है तो बेटर ये रहेगा कि आप यहाँ की जो सभा है इनके ट्रस्ट के थ्रू एक आरती की पर्ची ले लें, उससे आपको ये बेटर रहेगा कि आप आगे भी बैठ पाएंगे, आप अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। सुबह से घूमने के बाद अब आरती लेने के बाद भूख भी लग गई थी, तो मैंने सोचा चलते चलते आपको रात का मार्केट का नज़ारा भी दिखा दूँ। यहाँ का जो मार्केट है काफ़ी ज़्यादा लाइटफुल और ब्राइट दिख ही रहा होगा आप लोगों को वीडियो में। चलो चलते हैं कोई अच्छा रेस्टोरेंट ढूंढ के वहाँ पे डिनर करते हैं। आरती हमने ली थी हर की पौड़ी पर, जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया। तो चलते चलते हम लोगों को डिनर तो करना ही था, तो मेरे को बीच में एक जॉइंट दिखा क्रीमी सिंह के नाम से। ये जस्ट आप लोग जैसे हर की पौड़ी से बाहर निकल जाएंगे और सीधा बस स्टैंड की तरफ जाएंगे तो लगभग ये चौक पड़ता है, इससे आप मुश्किल से 100 मीटर या 150 मीटर चलेंगे तो आपको ये जॉइंट दिखेगा। पहले तो यहाँ की मैं एम्बियंस बता देता हूँ, पूरा अर्बन एम्बियंस है। और जैसा आप लोग मेट्रो सिटीज़ में देखते हो, दिल्ली में हो गया, चेन्नई में हो गया या फिर मुंबई में हो गया, वैसा एम्बियंस आपको देखने के लिए मिलता है। मतलब हाई क्वालिटी फूड ये लोग प्रोवाइड करा रहे हैं।
ये थिक शेक लिया है चोको चिप, और ये फिग एंड हनी मैंने आइसक्रीम ली है, और ये कॉम्बो कराया था बर्गर और फ्रेंच फ्राइज का। इसका टेस्ट जो है एब्सोल्यूट नेचुरल है, इनफैक्ट हनी इसमें दिख भी रहा है मेरे को, तो रियली ऑसम टेस्ट। मेरा रिकमेंडेशन है, अगर आप हरिद्वार में हैं, हरिद्वार से क्रॉस होकर ऋषिकेश जा रहे हैं, देहरादून जा रहे हैं, मसूरी जा रहे हैं, अगर एक भी दिन आपके पास है तो आप यहाँ का एक बार आइसक्रीम या शेक ज़रूर ट्राई करें। 110% वैल्यू फॉर मनी आपको लगेगा, बिल्कुल 110% नेचुरल। तो ये सर ओनर है, सर आप नाम बताएं। माय नेम इज़ नितिन, नितिन है मेरा नाम। ओके, एक तो आप अपना शॉप का प्रॉपर लोकेशन बता दें। हमारी शॉप रेलवे स्टेशन से अराउंड 200 मीटर्स पे है, टूवर्ड सरकी पैड़ी, और यहाँ जो आगे ब्रिज है इसका नाम ललताराव पुल है, ललताराव पुल से थोड़ा सा पहले। तो आप एक चीज़ बताइए कि आपका नाम भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक लगा मेरे को, क्रीमी सिंह। थैंक यू। तो ये आपने मतलब खुद सोचा या कैसे, मतलब रीज़न क्या रहा है ये रखने का? नाम नाम के पीछे भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक्चुअली वी वर लुकिंग फॉर अ नेम, और हमें कोई सुटेबल नाम नहीं मिल रहा था। आई वॉज लुकिंग फॉर समथिंग क्लासी जो मेरे काम के साथ जाए। तो मी माई कज़न एंड माई ब्रदर वर डिस्कसिंग फॉर अ नेम। हम तीनों जब डिस्कस कर रहे थे तो उनकी तरफ से ये इनपुट आया, क्रीमी सिंह। अच्छा, तो इट्स अ यूनिक एंड अ नाइस नेम। इनिशियली मुझे नाम समझ में नहीं आया, देन वो रुक गए, उन्होंने कहा कि ठीक है कुछ और नाम सोचते हैं। वी थॉट फॉर 2 डेज, उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि या तो तू कोई अच्छा सा और नाम दे दे या फिर इसे रखने दे हमको। देन इवेंचुअली आई सरेंडर्ड। तो आप लोगों की स्पेशलिटी, अगर एक आइसक्रीम आपको पिक करनी हो तो आप कौन सी करेंगे? सर एक्चुअली वी मेक ऑल आवर आइसक्रीम अवर सर, सारे बच्चे हमारे हैं, अपने बच्चे किसे बुरे लगते हैं। अच्छा, आपका फेवरेट कौन सा है? मेरा फेवरेट सर सॉल्ट एंड कैरमल है। सॉल्ट एंड कैरमल मेरा फेवरेट अपना, सॉल्ट एंड कैरमल है। बट हमारा बेल्जियन चॉकलेट बहुत पसंद किया जाता है। इसके अलावा हमारा प्राइस 39 rupees से स्टार्ट होके 109 तक जाता है, डिपेंडिंग अपॉन द फ्लेवर्स, जैसे जैसे जिसमें इंग्रेडिएंट्स डलते हैं उसके हिसाब से हमने प्राइसिंग करी हुई है। ओके ओके, तो आइसक्रीम और शेक्स के अलावा आप लोग क्या क्या देते हैं? हमारी फोर्टे तो सर आइसक्रीम है, वी मेक आवर ओन आइसक्रीम हियर, हमारी सारी आइसक्रीम्स फ्रेश मेड होती हैं। इसके अलावा हम आइसक्रीम्स को यूज़ करके संडेज बनाते हैं, थिक शेक्स बनाते हैं, प्लस वॉफल्स बनाते हैं। ये हमारा आइसक्रीम सेगमेंट का सेक्शन है। इसके अलावा स्नैक्स में हम लोग बर्गर, सैंडविचेस एंड फ्राइज देते हैं। और आई थिंक लस्सी और लस्सी एंड चुस्की। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। तो एक चीज़ मेरे को बहुत अच्छी और लगी यहाँ पे, हाइजीन का आपने बहुत ज़्यादा स्पेशली ध्यान रखा हुआ है। ये बहुत कम जगह है मतलब देखा जाए तो यहाँ, लेकिन आपने तो बहुत, हमारा कॉन्सेप्ट ऐसा है कि मेरी बेटी के वजह से ये काम शुरू हुआ। अच्छा। तो अब वो जब यहाँ आए तो उसको हमें ये ना सोचना पड़े खिलाते हुए कि हम उसको क्या खिलाएं और क्या ना खिलाएं। बहुत अच्छा, शी कैन कम हियर एंड ईट एनीथिंग। ओके ओके, बहुत अच्छी इंटेंशन है, और मतलब मेरा दिल खुश हो गया, इतना फुलफिलिंग भी था खाना कि हमारा डिनर का प्लान ही कैंसिल है, वरना हमने लिया तो इसके अकॉर्डिंग था कि थोड़ा थोड़ा खाएंगे उसके बाद डिनर करेंगे, लेकिन हम डिनर का प्लान ही कैंसिल हो गया। कोई बात नहीं, आपको थोड़ी देर बाद फिर कुछ नीड हो, वी आर हियर टिल 1 o'clock। ओके ओके, तो अपना हाँ टाइमिंग और बता देना। हम लोग सुबह 8:30 बजे वर्किंग शुरू हो जाती है कैफे की शुरू, और रात को 1 बजे तक हम ऑर्डर्स लेते हैं। ओके, तो आप होम डिलीवरी भी करते हैं? हम होम डिलीवरी भी करते हैं, हमारा अपना सेटअप है होम डिलीवरी के लिए। अच्छा। तो हम फ्रोजन आइसक्रीम्स एनी डिस्टेंस तक 10-12 किलोमीटर तक पहुंचा देते हैं। सो सर, आपने अपना टाइम दे दिया उसके लिए, थैंक यू, और आपने इतनी अच्छी आइसक्रीम उन लोगों को खिलाई उसके लिए भी थैंक यू। थैंक यू, थैंक्स टू यू, आप लोग आए, आप लोगों ने खाया, हम लोगों को तो आके बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट मेरी एक्सपेक्टेशन इतनी हाई नहीं थी, लेकिन जो मेरे को टेस्ट का आपकी तरफ से इनपुट मिला ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छा था मेरे लिए। तो आप लोग भी अगर आते हैं तो डेफिनेट ये आपका एक जॉइंट होना चाहिए कि आप इस जॉइंट पे आके ज़रूर कुछ ना कुछ ट्राई करें, ये मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है। आप बिल्कुल भी यहाँ से निराश होकर नहीं जाएंगे। आप लोगों को मैं सुबह ज्वाइन करूँगा नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखें, साथ साथ अगर आपको वीडियोज़ ये वाली पसंद आ रही हैं, ये वाली सीरीज़ पसंद आ रही है, तो वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बस यही है कि आप लोग कमेंट्स भी साथ साथ करते रहें, उससे बहुत ज़्यादा हम लोगों को एक मोटिवेशन मिलता है और ज़्यादा वीडियोज़ बनाने का। तो तब तक के लिए गुड नाइट, और सब लोग अपना ध्यान रखें और बने रहें अपने चैनल बैकपैक एक्सपेडिशन के साथ।